हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ गुलाब के पौधे की देखभाल कि मई जून के महीने में हम गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो गुलाब होता है अक्सर ख़राब हो जाते हैं और ना ही अच्छे से फ्लावरिंग कर पाते हैं। इनकी लीव्स गिरने लगती है धूप के जरिए, क्योंकि ये ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते गुलाब के जो पौधे होते हैं। इनकी जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती है, देख सकते हो गर्मियों के दौरान कैसे मुरझा चुकी हैं। तो गुलाब के पौधे की कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी फ्रेंड्स, जिनको आप बारह महीने गुलाब के पौधे से फूल ले सकते हो और अपने गार्डन में सालों साल इसको बनाकर रख सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपने पौधों पर खिले हुए फूल। फूल सूख चुके हैं, पर अब आप देख सकते हो किसी कंडीशन में मेरे पौधे पर अभी भी गर्मियों के दौरान फूल खिले हुए हैं। कितने फूल आए हुए थे मेरे प्लांट्स पर, यहाँ पर सूखे हुए हैं, पर आप देख सकते हो अभी भी गर्मियों में बहुत से के यहाँ पर प्लांट पर फूल नहीं भी आ रहे, पर मेरे यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में फूल खिले हुए थे। तो यहाँ पर ये सभी मेरे गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, दोबारा से फिर से फूल लेने के लिए हमें अपने गुलाब के पौधे पर क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हम अब इन पर क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने पौधे से गर्मियों में भी फूल ले सकते हैं। फूलों का साइज छोटा होगा, पर आपके गार्डन में फूलों से आपका गुलाब भरा रहेगा, ढेरों फ्लावरिंग आपके पौधे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इनमें से हम एक प्लांट अपना ले लेते हैं जिस पर हमें इस प्रोसेस करने हैं, बाकी प्लांट्स पर मैं बाद में करूंगी। तो सबसे पहला प्रोसेस हमें अपने पौधे पर क्या करना है फ्रेंड्स, तो हमें जो है अपने पौधे पर प्रूनिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। कटाई छटाई गुलाब के पौधे ज़्यादा मांगते हैं, तो हमें सबसे पहले जैसे ही फूल आकर ऐसे सूख जाते हैं हमारे पौधों पर और इनकी जो ऐसे ही कंडीशन हो जाती है प्लांट्स की, तो सबसे पहले हम हमें क्या करना है, इन पौधों की प्रूनिंग करनी है। क्योंकि जितनी हम इन पौधों की प्रूनिंग करते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग करें या हार्ड प्रूनिंग करें, हार्ड प्रूनिंग करने का एक टाइम होता है, सॉफ्ट प्रूनिंग आप इनकी कभी भी कर सकते हो, पर बिना कटाई छटाई के आपके पौधे अच्छे से ना ही तो ग्रोथ कर पाएंगे और ना ही अच्छे से ये आपके गार्डन में फ्लावरिंग कर पाएंगे। तो आप इनकी प्रूनिंग समय समय पर बिल्कुल करते रहें, जब इन पर फूल आकर सूख जाए, तो यही समय होता है पौधों की प्रूनिंग करने का। सारे सूखे हुए फूल हटाने के बाद आप जो हैं अपने पौधे पर अगर कोई लीव्स ख़राब हैं तो आप उनको भी बिल्कुल हटा दें जो सूख चुकी हैं। सूखी हुई लीव्स जो होती हैं हमें हटानी इसलिए ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमने सूखी हुई लीव्स जो करना हटाए तो फंगस के अटैक में आकर हमारी इन लीव्स पर कीड़े का अटैक भी हो जाता है। अगर तो कीड़े का अटैक हमारे पूरे पौधे को कवर कर लेगा, तो सूखी हुई लीव्स भी अपने पौधे से बिल्कुल हटा दें। फिलहाल मेरे इस पौधे पर कोई सूखी हुई लीव्स नहीं हैं, जो हाइब्रिड प्लांट है इसके ऊपर लीव्स जो हैं सूखी हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई प्रूनिंग की बात कि हमें अपने पौधे की कटाई छटाई कैसे करनी है और कब करनी है, क्या समय होता है कटाई छटाई प्रूनिंग करने का। और फ्रेंड्स, अब आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने अपना पौधा गर्मियों में कहां पर रखा हुआ है, क्या बिल्कुल सीधा सूरज की किरणों में रखा हुआ है। अगर आपने इसको बिल्कुल डायरेक्ट धूप में रखा हुआ है तो आपका पौधा जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम में आएगा। इसको आप अगर थोड़ी सी छांव वाली जगह भी दे दोगे, क्योंकि इस पौधे को धूप तो चाहिए, पर ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इसको डायरेक्ट धूप के अंदर ही रख दे, उसमें भी आपका पौधा ख़राब होता है। वहाँ पर ही आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, फूल अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा शेड एरिया दे, जहाँ पर घंटे दो घंटे के दिन की इसको छांव मिल सके, बाकी पूरा दिन धूप में रहे तो भी कोई प्रॉब्लम इस पौधे को नहीं होगी। क्योंकि गुलाब के पौधे को जो है धूप तो चाहिए, पर ऐसा नहीं कि आपको उसको जो है गर्मियों में सुबह से शाम तक की धूप के अंदर रख दे, तो उसमें जो है आपका पौधा ख़राब बिल्कुल हो जाएगा, फंगस का अटैक भी इस पर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपके पौधे की जो लीव्स है वो झड़ रही हैं, नीचे गिर रही हैं और येलो पड़ रही है सूख कर, तो वो किस वजह से गिर रही है। तो फ्रेंड्स, ये वजह होती है हमारी एक्स्ट्रा वाटरिंग की वजह से। जैसे कि हमारा पॉट है, गुलाब के पौधे को जो है पानी तो चाहिए, पर ऐसा नहीं कि आप इसमें गर्मी समझ कर इसमें रात दिन आपने पानी एक्स्ट्रा वाटरिंग बिल्कुल दलदल की हुई है। इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब मिट्टी ऊपर की लेयर सूख जाती है तो आप अपने पौधे में तभी पानी दें। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल सूख ज़्यादा, अगर मिट्टी सूख जाती है गमले की तो भी प्रॉब्लम करती है, और अगर इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली हो जाती है तो भी प्रॉब्लम करती है। गीली होने पर पत्तियाँ झड़ने लगती है, येलो पड़ जाती हैं, और अगर आपके पौधे की जो मिट्टी है बिल्कुल सूख गई, आपने इसमें तब पानी दिया, पौधा भी मुरझा चुका है, तब आप इसमें पानी दे रहे हो, तो तब भी आपका पौधा प्रॉब्लम में आता है, तब भी इसकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं,
सूखने लगती हैं, तो आप इन दोनों बातों का ध्यान रख सकते हो। जब एक लेयर मिट्टी की सूख जाए तो आप अपने गमले की मिट्टी में तब पानी दें। अगर आपने इसमें सुबह को पानी दिया और शाम तक इस गमले की मिट्टी सूख चुकी है, बिल्कुल पौधा मुरझा चुका है, तो आप इसमें शाम के टाइम फिर से पानी दे सकते हो। और अगर आपने जो है शाम को पानी दिया, सुबह तक फिर से पौधा सूख गया, मिट्टी सूख गई, मुरझा गया है पौधा, तो आप इसमें सुबह को फिर से पानी दे सकते हो। दोनों टाइम आप इसमें पानी दे सकते हो, पर एक्स्ट्रा वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए, जैसे कि मेरे यहाँ पर है, मिट्टी गीली है, मॉइस्चर है, पर बिल्कुल भी दलदली मिट्टी नहीं है। और पौधे को आप जब भी पानी देते हो, पौधे को बिल्कुल पूरे को नहला दें, इसको सावर कर दें, जिससे कि आपके पौधे की लीव्स जो होती हैं, जैसे कि यहाँ पर धूल मिट्टी पौधे के ऊपर लगी हुई है, तो बिल्कुल साफ़ हो सके, हमारा पौधा अच्छे से हेल्दी और स्वस्थ बन सके। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर फर्टिलाइज़र की। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालना चाहते हो, तो इसमें जैसे कि चाय की पत्ती का खाद होता है, चाय उबाल कर आप उसकी पत्ती को छान कर पानी से धुल कर सुखा कर आप उसमें वो डाल सकते हो। उससे भी आपका पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। केले के छिलकों का जो खाद बनाते हो आप, उसको भी डाल सकते हो। आप इसमें जो भी आपके पास उपलब्ध हो ऑर्गेनिक खाद, आप वही इसके अंदर डाल सकते हो। उससे भी आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपके पौधे को नहीं आएगी। और तो फ्रेंड्स, अगर गर्मियों में भी आप अपने पौधे से फूल लेना चाहते हो, सालों साल इसको बना कर रखना चाहते हो कि आपके पौधे में फंगस ना लगे, तो अगर आप ये छोटी छोटी सी टिप्स फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपका पौधा बिल्कुल अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा, सालों साल आपके गार्डन में बना भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने गार्डन में गुलाब की खूबसूरती, इसके जो फूलों की खुशबू है, उनको महका सकते हो। अगर मेरी गार्डन तो फ्रेंड्स, अगर मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो कमेंट कर जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज, बाय।